हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चे और बड़े सबकी ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी ब्रेड रोल, जिसे आप चाहे सुबह के ब्रेकफास्ट में या फिर शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 4 मीडियम साइज के पोटैटो, जिनको मैंने ऑलरेडी बॉयल करके रखा हुआ है, और मैं इसे ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लूंगी। आप चाहें तो किसी पोटैटो मैशर की हेल्प से भी इसे मैश कर सकते हैं या फिर अपने हाथों की हेल्प से इसे मैश कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक ज़रूरी टिप देना चाहूँगी, जब भी आप आलू से टिक्की बनाएं, आलू के परांठे बनाएं या फिर ब्रेड रोल बनाएं, तो आलू को आप काफ़ी देर पहले ही बॉईल करके रख दें। इससे क्या होता है कि बाइंडिंग अच्छी होती है, क्योंकि आलू का जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, और अब हम बनाते हैं ब्रेड रोल के लिए मसाला, जिसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सबसे पहले एक मीडियम साइज का प्याज, जिसे हमने अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/4 कप बॉयल मटर। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर मुझे ब्रेड रोल में मटर का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे ऐड कर रही हूँ। और आप अपनी मनपसंद कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने डाल दिया है काफ़ी सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ग्रेट किया हुआ अदरक, और साथ में यहाँ पे ऐड कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। और साथ में डाल देंगे नमक अपने स्वाद अनुसार। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जीरा पाउडर, ये भुना हुआ जीरा पाउडर नहीं है, नॉर्मल जीरा पाउडर है। और इसी के साथ डाल रहे हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, और ऐड करेंगे 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, और सारे इंग्रेडिएंट्स को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो लीजिए दोस्तों, बढ़िया से स्टफिंग हमारी बनकर के तैयार हो गई है, और ये इतनी यमी बनती है कि इसको तो बस ऐसे ही खाने का मन करता है। तो चलिए अब हम ले लेते हैं साथ में कुछ ब्रेड स्लाइस, और ब्रेड स्लाइस के जो एजेस होती हैं मैं उनको अलग कर दूंगी, और जो इसके एजेस निकलेंगे उसका तो आपको पता ही है क्या करना है। आप उसके या तो ब्रेड क्रम्स बना लीजिए या फिर ब्रेड पोहा में इस्तेमाल कर लीजिए उसको। अच्छा, कभी कभी लगता है कि ब्रेड रोल बनाना जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट काम है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि तेल में ब्रेड रोल फट जाते हैं। बट आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ अगर आप उस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके ब्रेड रोल बिल्कुल भी जाकर तेल में नहीं फटेंगे। मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है और ब्रेड को उसमें अच्छे से डिप कर लिया है, और उसके बाद पानी को हम हथेलियों की हेल्प से निचोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसमें रखेंगे स्टफिंग। लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून आप इसमें स्टफिंग रख दीजिए, इससे ज़्यादा स्टफिंग हम नहीं रखेंगे। अगर हम ज़्यादा स्टफिंग रखेंगे तो फिर हमारे ब्रेड रोल जो है वो फट जाएंगे। ब्रेड को आप रखिए डायगोनल शेप में, और इस तरीके से स्टफिंग को बीच में रख दीजिए। अगर आप चाहें तो स्टफिंग के छोटे छोटे पहले से ही रोल बना के रख लीजिए, ताकि आपको फिल करने में और ज़्यादा आसानी रहे। और उसके बाद इस तरीके से हम ब्रेड को फोल्ड करेंगे, और ब्रेड हमारी गीली है तो काफ़ी अच्छे से ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी। बस अब आप हाथों की हेल्प से इसको इस तरीके से प्रेस कीजिए और सब तरफ से ब्रेड को ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया से ब्रेड रोल बन करके तैयार हो गया है। मैंने इसे रख दिया है एक प्लेट पर, और चलिए अब हम एक और ब्रेड रोल तैयार कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से हम ब्रेड को अच्छे से गीला कर लेंगे, और उसके बाद इसे निचोड़ देंगे। बीच में रखेंगे हम स्टफिंग, और ये जल्दी से मैंने एक ब्रेड रोल और तैयार कर लिया है, और सेम इसी तरीके से हम सारे ब्रेड रोल बना करके तैयार कर लेंगे। और अब आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख दीजिए, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। जब पानी अच्छे से सूख जाएगा तो ब्रेड रोल जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। मैंने ऑयल को मीडियम हीट पर पहले से ही गर्म कर लिया था, और हम एक एक करके ये ब्रेड रोल इसमें डाल देंगे। आपकी कढ़ाई में जितनी कैपेसिटी हो आप उतने ब्रेड रोल एक बारी में फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टिप, ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं होना चाहिए और ना ही लो फ्लेम पर होना चाहिए। एकदम मीडियम फ्लेम पर हम ऑयल को गर्म करेंगे, और उसके बाद ही हम ब्रेड रोल इसमें डालेंगे। और अभी हम ब्रेड रोल को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम अभी इसे टच करेंगे तो ब्रेड रोल जो है वो फट सकते हैं। तो अभी इनको एक तरफ से सिकने देते हैं, उसके बाद ही हम पलटेंगे। और ये देखिए नीचे से हल्के हल्के मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि सिक चुके हैं, तो अब हम इसे उलटते पुलटते हुए चारों तरफ से सेक लेंगे। हमें इसे बहुत ही हल्के हाथों से पलटना है, अदरवाइज ब्रेड रोल जो है वो फट सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कितना प्यारा सा कलर आ रहा है,
बस हम इसी तरीके से इसको सेकते रहेंगे। जब ब्रेड हल्की सी सूख जाती है उसके बाद हम ब्रेड रोल बनाते हैं, तो इससे जो ब्रेड रोल होते हैं वो ऑयल भी कम एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए दोस्तों, ब्रेड रोल हमारे अच्छे से सिक चुके हैं और मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट पर। आप इसे चाहें तो पेपर टॉवल पर भी निकाल सकते हैं, जिससे इसका जो भी एक्सेस ऑयल होगा पेपर टॉवल एब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत ही बढ़िया ब्रेड रोल बनकर के तैयार हुए हैं, एकदम क्रिस्पी ब्रेड रोल बने हैं। और सेम इसी तरीके से आप बाकी के ब्रेड रोल को भी फ्राई कर लीजिए और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए टमाटो केचप के साथ या फिर हरे धनिया की चटनी के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही अगर आप इसकी रिटर्न रेसिपी चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट www.vanitasmagickitchen.com पर विजिट कर सकते हैं। और साथ में ही आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहां पर भी रेगुलर अपडेट्स करती रहती हूं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।